भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर जताई गई चिंताओं का समर्थन करते हुए दावा किया। गांधी ने यह टिप्पणी एलन मस्क की एक्स पर की गई पोस्ट के जवाब में की, जिसमें उन्होंने प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में कथित अनियमितताओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति पद के स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। मस्क ने कैनेडी जूनियर की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। मस्क के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने एक समाचार रिपोर्ट साझा की, जिसमें दावा किया गया था कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार रविंद्र वायकर, जिन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से 48 वोटों से लोकसभा चुनाव जीता था, के रिश्तेदार उस फोन का उपयोग कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से जुड़ा था, और कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी मस्क के पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह एक बहुत बड़ा व्यापक सामान्यकरण बयान है, जिसका अर्थ है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। एलन मस्क का दृष्टिकोण अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है, जहां वे इंटरनेट से जुड़े वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए हैं, सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ वाईफाई इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम किए गए नियंत्रक जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ईवीएम की जीत के पीछे वजह क्या है? एलन मस्क के बाद अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल। अखिलेश यादव कहते हैं, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वह मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की और खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जीत के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर मतपत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर से दोहराते हैं। अखिलेश जी की पोस्ट के बाद में यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। के नेहरा लिखते हैं, अगर अखिलेश यादव जी आपको ईवीएम मंजूर नहीं है तो सबसे पहले आप इस्तीफा दें और उसके बाद मैदान में आए, और अगर ईवीएम हैक होता है तो आप यूपी में इतनी सीट कभी नहीं जीत पाते, और दूसरा बीजेपी कभी अयोध्या नहीं हारती। यह कौन सी बात होती है कि आप जहां पर जीत जाते हो वहां पर ईवीएम सही है, लेकिन जहां पर हार जाते हो वहां पर ईवीएम गड़बड़ है। महमूद प्राचा ने एक पोस्ट साझा की है, वे लिखते हैं, आई हैव मेड ए पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द सीईसी एंड एट द रेट बीजेपी इंडिया ऑफिस बियरर्स ऑफ ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन 2024। एज ए सिटीजन आई हैव टेकन स्टेप्स टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। वी मस्ट ऑल स्ट्रगल टूगेदर टू सेव द स्ट्रेंथ इंडिया दैट इज भारत। सुनते हैं कौन है महमूद प्राचा। और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे गेस्ट है महमूद प्राचा जी, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रामपुर से इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। साथ ही इन्होंने कई सारे पिटिशन भी फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, ईवीएम से रिलेटेड, और हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्लेंट भी फाइल किया है पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, जो कि दिल्ली में पड़ता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि बीईएल, ईसीआईएल और बीजेपी के सीनियर ऑफिस बेयरर्स के अगेंस्ट। ईवीएम के खिलाफ में केस चुनाव के पहले भी दर्ज किए गए थे, जो कोर्ट के द्वारा यह कहकर खारिज कर दिए गए थे कि ईवीएम के साथ में किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। क्या ईवीएम के साथ में किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है? चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? अपने विचार जरूर बताएं और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।